दुर्गा पूजा चल रहा है और अभी सारे लोग वेज खाते हैं और वेज रेस्टोरेंट ही ढूंढते, तो हम लोग आए हैं रांची के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कावेरी रेस्टोरेंट, जो बहुत ही फेमस है, और आज हम लोग यहाँ खाना ट्राई करने वाले हैं। हम लोग शौकीन तो नॉनवेज के, बट अभी पूजा में नॉनवेज तो खाना नहीं है, तो हम लोग सोचे चलो एकदम से प्योर वेज रेस्टोरेंट चलते हैं, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे आके खाना। तो आज हम लोग खाने आए, मैं, वर्षा और मिनी, वो लोग ऑफ कैमरा, मैं ऑन कैमरा हूँ, और अभी हम लोग फटाफट चलते हैं इसके अंदर और यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं। तो चलिए, और ये वर्ष है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी पूजा स्पेशल है तो इसलिए पूरा डेकोरेट कर दिया गया सुंदर से, और देख सकते कितना ज्यादा भीड़ है। और यहाँ मिनी बाल छुपाए हुए मुंह, बस मेन्यू आने का वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास मेन्यू आ चुका है और ये है कावेरी का लोगो और ये मेन्यू का लिस्ट। यहाँ पे छोले भटूरा 180 का, बेबी कॉर्न, चाट में भी ऑप्शन है, चाट भी खा सकते हैं आप, सूप भी ले सकते हैं, कबाब, और यहाँ का जो स्पेशल है वो क्या है वर्षा? थाली ना दिख रहा है, ये है थाली जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, थाली 255 का, तो ये हम लोग ने ऑर्डर किया है, तो अभी फिलहाल हम लोग थाली ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है थाली का और अब बस वेट हो रहा है थाली आने का, क्योंकि बहुत जोरदार भूख लगा है, मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी से बस आए और खाए, तो थाली का बस वेट हो रहा है। और मेन्यू मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत अच्छा रेट है यहाँ पे और फैमिली रेस्टोरेंट है तो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो आप लोग आगे यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बस खाना आता है, उसके बाद आपको खाना दिखाते हैं। और ये है कढ़ी, पनीर की सब्जी, आलू परवल का भुजिया, दाल, दही बड़ा, सलाद, अचार, ये है थाली। तो सेम इधर पे भी यही वाला सेम थाली है, तो अभी पता नहीं और भी शायद कुछ कुछ आएगा, बट अभी फिलहाल इतना थाली हम लोगों का आया है, तो अभी ट्राई करेंगे फिर बताते हैं। और कुछ भैया? पापड़। गुलाब जामुन और चावल मिला है और अब बस पापड़ बचा हुआ है पापड़ आने के लिए, तो पापड़ बस इसमें आप ऐड, बस पापड़ होगा। तो ये हमारा आज का वेज थाली स्पेशल वेज थाली रही है, तो अभी खाके टेस्ट करके बताते हैं कैसा लग रहा है। दाल भरी है, तो आप फटाफट हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वर्षा भी खा रही है,
और ये हम लोगों का पापड़ भी आ गया। कैसा लग रहा है वर्षा? अच्छा है। अब मिनी से पूछते हैं, मिनी कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। क्या अच्छा, इसमें सबसे अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा, बड़ा टेस्ट नहीं दिया है ये, पर ये हमको, पर ये कुलचा दिया है ना, नान जैसा ये कुलचा है। हाँ, दही बड़े टेस्ट नहीं किए। वर्षा को दही बड़े कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। सारा अच्छा है ना खाना वेज में? और सारा टेस्ट लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, तो अब बस वेट नहीं हो रहा, फटाफट खाते हैं फिर बात करते हैं। तो मैं अब वो सारा टेस्ट होने के बाद अब चावल और कढ़ी ट्राई करने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा लगता है। कढ़ी चावल हमेशा फेमस होता है। दाल भी है, और दाल भी है। फिलहाल कढ़ी के साथ पहले ट्राई करूँगी। इधर छोटे छोटे से पकौड़ी है, चावल कढ़ी चावल भाई हाथ से ही खाने में मज़ा आता है, स्पून को समझ में नहीं आएगा चम्मच से। और मुझे खाना हाथ से ही सेटिस्फैक्शन लगता है, चम्मच से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पेट ही नहीं भरता है। कढ़ी चावल भी बहुत अच्छा है, दाल के साथ ट्राई करते तो खाना हो चुका है डन, और पेट एकदम फुल टाइट हो चुका है, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और खाना खाने के बाद लास्ट में जो मीठा खाया ना, वो तो क्या ही बोलेंगे, तो सारा चीज़ बहुत टेस्टी था। तो आप भी आओ, पूजा के टाइम अगर घूम रहे हो और थक गए हो तो खाना खाना है तो कावेरी ज़रूर आना। यहाँ का थाली स्पेशल थाली जो भी है वो ट्राई ज़रूर करना। तो फिलहाल अब हम लोग बिल का वेट कर रहे हैं, और दिन बिल आएगा पे करेंगे, फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो अभी वेट करते चलेगा। तो फाइनली हम लोग खाना पीना डन हो चुका है, और मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, ये सब वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं जब इनका नंबर आएगा तब जाएंगे। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ का खाना है। तो आप लोग भी आओ यहाँ पे, एंजॉय करो। जो वेजिटेरियन है उनको तो पता ही है, तो नॉन वेज खाते हैं, बट वेज भी कभी कभी खा लिया करो। तो यहाँ आगे ट्राई जरूर करो। और फिलहाल मुझे तो पेट भर चुका है, तो हम चलते हैं यहाँ से डर, और बाबू कहते हैं।